नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। एक ऐसे पर्सनालिटी से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा जो कहते हैं मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्किंग टाइप से, और चंदौली में होना तो बहुत बड़ी बात है। अभी ये चंदौली से बिलोंग करते हैं और कई जगह काम किया, वर्ल्ड बैंक में काम किया, अभी बहुत सारे NGOs के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए बात काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके के काम कर रहे हैं और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या सोचते हैं। तकरीबन 40 देशों की यात्रा करी है इन्होंने और बहुत सारे लैंग्वेजेस भी जानते हैं। तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो नाम बताइए। धनंजय कुमार। और अवनीश जी, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, आप समय निकाल के आए, ये मेरे लिए सौभाग्य है। चंदौली मेरा जन्म स्थान है और इसके प्रति मेरा बहुत कुछ दायित्व है, ऋण है, जिसको कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे चुका पाऊँ, ये मेरा प्रयास है। तो सबसे पहले तो एजुकेशन की बात करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि चंदौली से आप बिलोंग करते हैं, तो चंदौली के बाद कैसे क्या हुआ कि आप अब्रॉड चले गए, उसके बाद आपने कई सारे देशों में सर्विसेज की, जैसा वर्ल्ड बैंक का तो हिसाब किताब है, हर कई सारे कंट्रीज़ में आपको जॉब करनी पड़ी, तो किस तरीके से हुआ और अभी उसके बाद अभी की बात करेंगे। तो चंदौली मेरा बचपन का स्थान रहा है, फिर कुछ समय के लिए प्रयागराज गया, उसके बाद हाई स्कूल में फिर लौट के आया। तो हाई स्कूल महेंद्र टेक्निकल है ना, पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और पॉलीटेक्निक, अब कुछ सफल हो गया है। तो यहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स आए तो मुझे स्कॉलरशिप मिला 2 साल के लिए, और वो एक अलग कहानी है, वो मैं समझ नहीं पाया कैसे इतना पैसा खर्च करूँ, 20 रुपये प्रति माह मिलते थे 2 साल तक, तो खैर वो अलग बात है। उसके बाद मेरे पिता फॉरेन सर्विस में थे, तो चंदौली में हाई स्कूल करना इसलिए हुआ कि उनका ट्रांसफ़र हुआ था नेपाल, और नेपाली भाषा में ही सारी शिक्षा होती थी। तो मेरे छोटे भाई बहन तो सीख गए, अब हाई स्कूल के लेवल पे हमको नेपाली सीखना और फिर एक परीक्षा देना, वो थोड़ा मुश्किल था। तो मैं चंदौली आके मैंने हाई स्कूल किया, उसके बाद प्रयागराज में बाकी शिक्षा हुई, इंटरमीडिएट, BA, MA सब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद सब परिवार हम लोग वाशिंगटन गए नवंबर 1968 को, और वहाँ पे मुझे फिर से MA करना पड़ा एक्रेडिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ का वो नहीं मानते। अच्छा, मतलब क्या यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री वैलिड नहीं है वहाँ पे? उस समय नहीं थी, एट दैट टाइम वैलिड नहीं थी। मतलब अगर मुझे वहाँ कुछ करना होता तो यहाँ की डिग्री, अब तो यूनिवर्सलाइज हो गया, अब तो डॉक्टर भी यहाँ से वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं एक एग्ज़ाम दे के, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो वहाँ से मैंने MA किया, उसके बाद 5-6 टॉप यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अलग अलग विषयों में, उसमें है हार्वर्ड, कॉर्नेल, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह। और फिर ये अचानक हुआ कि मुझे वहाँ पे बुलाया गया वर्ल्ड बैंक में। अच्छा। मैंने कभी नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजी, वहाँ से वापस आने का समय था 2 साल बाद, तो 71 में हमें वापस आना था सबके साथ। तो उसके एक सप्ताह पहले मैं घर नहीं था, मेरी माँ अंग्रेज़ी नहीं बोलती, तो फ़ोन आया किसी का, तो मैं जब लौट के घर आया तो कहती तुम्हारा कोई फ़ोन आ रहा था, कुमार कह रहा था, वर्ल्ड बैंक कह रहा था। मैंने कहा कुमार नो होम, मैंने रख दिया। तो मैंने कहा वर्ल्ड बैंक ने क्यों मुझे फ़ोन किया? उसके बाद मैंने नंबर मिलाया पर्सनल डिपार्टमेंट में कि आपके यहाँ से एक फ़ोन आया था और मेरा नाम धनंजय कुमार है, कहिए। कहते हैं हम आपको एक जॉब ऑफर करना चाहते हैं, आप कल आइए और बाकी निगोशिएट कर देंगे, उसके बाद अगले सोमवार से आप शुरू करिए। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अद्भुत घटना है। तो मुझे थोड़ी शंका थी कि अब सब तैयार हो चुका है, सामान पैक हो चुका है, तो मैंने पिताजी से पूछा कि ऐसा है, वहाँ से फ़ोन आया है कि वो मुझे जॉब ऑफर दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए सबसे बहुत अच्छा मौका है, यह कभी नहीं आएगा, तुम रुक जाओ। अब मैं दहल गया, मैं अकेले कैसे रुक जाऊँ वहाँ पर। तो खैर रुक गया, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का सिलसिला शुरू हुआ। 1972 से मैंने वहाँ पे नौकरी शुरू की। सबसे पहले ये आश्चर्य की बात है, मुझे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में रखा गया।
तो पूरे विश्व के लोग टॉप ऑफिशियल्स आते थे, उनको मैं इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट और क्या क्या नेशनल इनकम, ट्रेड, ये सब सिखाता था। और वो सब लोग हमसे बहुत सीनियर थे। तो एक ग्रुप आया था, उसमें भारत के कुछ लोग थे, एक गुजरात के थे, टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट थे और यूनिवर्सिटी से भी जुड़े थे, आनंद नगर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर कर दी। मैंने कहा बहुत मुश्किल हो गई, यहाँ हमने काम शुरू किया अभी, अब वहाँ मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी, मैंने फ़ोन किया कि अब वहाँ से बुलाए, मेरा तो मन है कि आ जाए, फिर उन्होंने रोक दिया। तो ऐसे चलता गया। उसके बाद फिर मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में आया। शुरुआत में मैं आया, पहला मेरा ओवरसीज मिशन था नेपाल। तो नेपाल किसी को बताया मैंने नहीं, बस 4 बजे सुबह उनके घर पे अपने अपार्टमेंट था दिल्ली में, खटखटाया, सब लोग देख के मुझे चौंक गए। उसने कहा ये तो या तो छोड़ के चला आया या वहाँ से भगा दिया गया जो कुछ भी। मैंने कहा नहीं, मैं ऑफिशियल ट्रिप पे हूँ, नेपाल जा रहा हूँ, वहाँ पे एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मैं स्टडी करूँगा। तो खैर, तो नेपाल के बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। तो ईस्ट एशिया पैसिफिक में थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम भी, लाओस, कंबोडिया, ये सब मैं आता, 3-4 चक्कर एक साल में लगता था। तो रास्ते में भारत पड़ता था, तो आते समय, जाते समय भारत रुके, फिर लौटते समय भारत रुके, दिल्ली में खास तौर से हमारे बहुत पुराने मित्र थे। बड़ी अच्छी जॉब हो गई थी कि वहाँ घर, मतलब कंपनी के ट्रिप पे आप आए और घर पे आ जाए। और मेरे दोस्त कहते थे 2-3 हफ्ते के बाद, फिर मैं कि तुम गए नहीं अभी? मैंने कहा नहीं, मैं गया काम करके, वापस आ गया, अब जा रहा हूँ वाशिंगटन। तो ये मतलब मैं कम से कम 6 से 8 बार भारत आता था हर साल, जब तक मैं ईस्ट एशिया पैसिफिक में था। वो करीब 5-6 साल का था वहाँ पर मेरा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो वहाँ पे मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, यमन, इजिप्ट, टूनिशिया, मोरक्को वगैरह वगैरह, और यूरोप से भी जुड़े, क्योंकि यूरोप में कुछ स्टडीज़ चलनी थी। जब यूरोपियन यूनियन बना, उसके पहले एक बहुत बड़ी स्टडी थी जिसमें करीब विश्व के 20-25 स्कॉलर्स थे कि ये चलेगा नहीं चलेगा, इसका असर क्या होगा ट्रेड पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या होगा, और मैं उसका टीम लीडर था। तो मेरे अंडर वो सारी स्टडी हुई, जिसके बाद हमने जस्टिफाई किया कि यूरोपियन यूनियन बनने में यूरोप का फ़ायदा है, सभी देशों का। फिर यूरोपियन यूनियन की का स्थापना हुई। उसके बाद मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, टॉक्स, लेक्चर्स किए आयरलैंड में, इंग्लैंड में, बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे, क्या क्या ये सब चला। इंडिया पूरी कहानी करता हूँ। उसके बाद 2-3 साल मेरा ट्रांसफ़र हुआ वेस्ट अफ्रीका, टफेस्ट वन, उसमें नाइजीरिया, घाना, सियरा लियोन, क्या क्या था। तो वहाँ भी काम किया। उसके बाद तब तक मेरे लग 23 साल हो चुके थे। तो लास्ट असाइनमेंट मुझे मिला फॉर्मर सोवियत यूनियन में। तो मैं मॉस्को गया और बिश्केक गया, 2-3 जगह और गया। वहाँ पे हमने अंडर ए फ्री एंटरप्राइज सिस्टम, वो तो सोशलिस्ट थे, उस सिस्टम में उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इस पे हमने रिपोर्ट्स लिखी। और अंतिम मेरा असाइनमेंट था, बिलीव इट और नॉट, ईरान। तो अब आयतुल्ला के तुरंत बाद ही वो जो आंदोलन हुआ, तो ईरान में हमने काम किया। उसके बाद मैंने कहा 25 साल हो गए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए आई वॉज एलिजिबल, तो मैंने कहा छुट्टी करो, अब हम कुछ और देखते हैं। अभी इंडिया की अगर बात करें तो डेवलपिंग इकोनॉमी है, सारे लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, जैसा कि अभी चल रहा है।
तो क्या लगता है किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके की चीज़ों को होने की ज़रूरत है अभी? मैंने इस पर काफ़ी मनन किया है और जितना मुझे आता था वो सब अप्लाई किया यहाँ पे कि भारत किस स्थिति में है, कहाँ हो सकता है और वहाँ नहीं है। तो इसका मैंने अवलोकन किया एक फाइनेंशियल सेक्टर को लेके और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके। वहाँ मैंने ये पाया कि देखिए, देश का नाम बहुत हुआ है, लीडरशिप अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है और कई डिपार्टमेंट्स काफ़ी एफिशिएंट हैं, काम अच्छा हो रहा है। लेकिन मुझे चिंता इस बात की हुई कि लेवल ऑफ एफिशिएंसी अभी भी मुझे कम लगी। उसका इम्प्लिकेशन ये मुझे लगा कि जितनी प्रोग्रेस हो सकती है या बताई जाती है उतनी नहीं है। उदाहरण में बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि मैंने सैकड़ों बैंक वर्ल्ड वाइड सुपरवाइज किए हैं। तो मैं तुरंत पहुँच के जैसे आदमी बैठा, मैं पता ये काम क्या करता होगा। मैंने ये पाया, एक ट्रांजैक्शन था मेरा, मेरे पिता का पेंशन अरियर्स था एक गवर्नमेंट ओन बैंक में, वो 8-9 साल हो गए। उसके बाद मेरी माँ को उसका 50% ऐसे मिलता रहा, उनका देहांत हुआ 2015 में। उसके बाद मुझे कम से कम 50 चक्कर लगाने पड़े बैंक के। आई एम द सोल हेयर सक्सेसर, उनका विल है मेरे पास, मेरे ब्रदर सिस्टर का सर्टिफिकेशन है कि इनको दे दिया जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारे मित्रों ने गारंटी दी कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, अगर ये गलत साबित हो तो हम देंगे। इन नटशेल नतीजे निकला 4 लाख रुपए थे सिर्फ अक्यूमुलेटेड पेंशनरी ईयर्स। मैंने कैलकुलेट किया, उसको कलेक्ट करने में अभी तक 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरा समय, ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टेज, नोटरी, रेवेन्यू स्टैम्प, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का टाइम, उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको दीजिए, नहीं दे रहे हैं। एक क्लर्क जो है ना, इतना पावरफुल हो गया है, चेयरमैन नहीं कर सकता कुछ, बैंक का मैनेजर, रीजनल मैनेजर, लीगल डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पाए। एक क्लर्क वहाँ बैठा है, वो हर बार कहता है ये कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, फिर वो कर लीजिए। ठीक है, तो अगर 4 लाख रिकवर करने में 5 करोड़ लगे हैं, वो 120 गुना हुआ। ठीक है, इस लेवल की इनएफिशिएंसी अगर पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में है, और मैंने पढ़ा है कि फाइनेंशियल सेक्टर इज़ अबाउट 10% ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, तो 120 मल्टीप्लाई करने की जगह आप 12 मल्टीप्लाई करिए, तो अभी इंडिया की GDP 3.5 ट्रिलियन, टाइम्स 12 इज़ अबाउट 37 ट्रिलियन, विच इज़ USA, चाइना, पार्ट ऑफ यूरोप कम्बाइंड। Without any investment, India's GDP can increase at least tenfold than it is now. Or if that inefficiency सारे सेक्टर में है 10% और उसका आप 120 गुना, तो 350 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, which is 10 times more than the world, without a single penny of additional investment. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, बजटिंग ऑडिट होता है, किसी ऑडिट नहीं होता कि आप उसमें सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और लोग काम करने से डरने लगे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि वर्क इफिशेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो प्रोसीजर्स हैं, इस प्रोसीजर्स को सिंपल करने की ज़रूरत है। सो कॉम्प्लिकेटेड, हम नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करना क्या है। यहाँ पे जो स्टाफ हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो पता नहीं 40-50-100 साल के पुराने प्रोसीजर हैं, कुछ नियम बदले हैं मैं मानता हूँ, लेकिन जो पूरा ओवरहॉल होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसकी वजह से चंदौली क्या पूरे देश को नुकसान हो रहा है, और एक निराशा सी होती है, ये मतलब मुझे एम्बेरसमेंट महसूस होता है। मतलब तारीख पे तारीख, फाइलों में फाइलों को पास कराने वाला जो हिसाब किताब है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी भी है। छोटे छोटे से जो शिकायतें हैं, 5-10-20 साल से चल रहा है, वो बंदा चला गया, उसके संतान जो है उस मुकदमे में लगे हैं, ये तरीका नहीं है। एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मैनेजमेंट, ये बहुत ही मतलब
बहुत ही मंद गति से ये सुधार हो रहा है उसको थोड़ा। और क्या 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 कर रहे हैं लाइफ में आप, और साथ ही साथ अभी जैसे कि आप रिटायर होने के बाद थोड़ा, मतलब कहते हैं ना कि काम से थोड़ा फ्री हुए तो इंडिया की तरफ भी देख रहे हैं, तो क्या किन किन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं? अच्छा 25 साल हो गए, 25 साल मुझे रिटायरमेंट लिए हुआ। सो यू आर लुकिंग सो यंग, अगर तो 85 इयर्स ओल्ड होना चाहिए। मुझे महसूस होता है कि मेरा काम रिटायरमेंट के बाद असली काम शुरू हुआ है। तब तक तो मैं नौकरी करता था, उसके बाद जो करना चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, ये फ़र्क है। किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एक कोण है उसका दृष्टिकोण कि हमने कई संस्थाओं की स्थापना की, इंडिया इंटरनेशनल स्कूल एंड कल्चरल सेंटर वर्जीनिया में, जिसमें करीब 100 कक्षाएं होती हैं कल्चर लैंग्वेज योग वगैरह पे, तो एक वो है। उसके बाद जब से मैं वर्ल्ड बैंक में था 25 साल, उसके 10 साल और जोड़ लिए 35 साल, मैंने पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया, कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, बच्चे किस तरह स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कम नंबर आते हैं तो और दुखी होते हैं, माँ बाप कहीं सुसाइड भी होती है, ये सब देखा मैंने। और एक तरह की शिक्षा होती है जो बच्चों की क्षमता के अनुसार नहीं होती, उनको एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तरह, सब एक शेप के होंगे, इतना ही जानेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जानेंगे, और सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, दूरदर्शिता हो सकती है, तो ये सब कमियां मैं पाई। एक दो देश हैं जिन्होंने काफ़ी सुधार किया है, तो वहाँ से मैंने जो सीखा और हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, मतलब गहरी शिक्षा के बारे में एकेडमिक, जैसे जे कृष्णमूर्ति हैं, श्रद्धालु राणा डे हैं, और अमेरिका के कुछ हैं, कुछ यूरोप के हैं, ख़ास तौर से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के, कोरिया कनाडा, सब मैंने स्टडी किया, तो मैंने उसका सार तत्व निकाला कि ये गुण जो हैं शिक्षा में होने चाहिए। उसका मैंने एक करिकुलम बनाया, उसका नाम दिया रेजिंग इंटेलिजेंट रिफॉर्म इन एजुकेशन फॉर वर्ल्ड रिन्यू। वो किया, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया जिसको मैंने नाम दिया भारत के लिए प्रज्ञालय। अच्छा, मैंने यूएसए में ट्राई किया लेकिन यूएसए में ये बात समझ में नहीं आती, उनको इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो वो सिर्फ नौकरी पैसा वेल्थ ये सब में हैं। उनको कहें कि आप अपना आध्यात्मिक बौद्धिक विकास करिए, तो क्या वो क्या होता है? तो मैंने 10 साल अमेरिका में कोशिश की, फिर मैंने हार मान ली, मैंने कहा यहाँ नहीं होने का, यहाँ इनके समझ में नहीं आएगी। भारत में मैंने जब बात करनी शुरू की तो लोगों के समझ में आने लगे, कुछ कर नहीं पाए। मैंने सरकार में बात की, मैंने HRD मिनिस्ट्री में मैं गया, कहीं ये तो आइडिया अच्छा है लेकिन हम अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए बहुत ब्यूरोक्रेसी है, प्लानिंग है और एजुकेशन पॉलिसी, ये सब करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं धीरे धीरे शुरू करूँगा। तो मैंने पहली शुरुआत की चंदौली में, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ का हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस ये है जहाँ बैठे हैं। तो मैं हाई स्कूल में गया दिसंबर पिछले साल मतलब 22 सब। तो वहाँ गया मैं, मैंने देखा कोई लाइब्रेरी नहीं है, फिर पता लगा कि चंदौली में शायद कोई लाइब्रेरी नहीं। अच्छा, मैंने कहा ये तो घोर अन्याय है बच्चों के साथ, बस जो पुस्तकें हैं पाठ्यक्रम की हैं, एक दो पुस्तकें वो मिल जाती हैं फ्री में, उसको पढ़ के पास हो जाते हैं, बात ख़त्म हो गई। मैंने कहा इससे तो पूरी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिर मैंने ये पाया कि लाइब्रेरी मैंने स्थापना की है, आपने शायद सुना होगा, पूरा फर्नीचर मटेरियल बुक्स, और मैंने ये भी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब दिया मैंने। फिर मैंने उनको कहा कि आप एक कमेटी बना लीजिए, हर महीने मुझे एक पुस्तकों की लिस्ट भेजिए, वंदना जी लाइब्रेरियन है उसकी, और मैं सप्लाई करूँगा। उसके बाद मैंने कि चलो ये हाई स्कूल इंटर कॉलेज हो गया, अब प्राइमरी स्कूल की ओर चलते हैं। तो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ गए, वहाँ के टीचरों ने कुछ ज़्यादा उत्साह दिखाया, क्यों महिलाएँ हैं सब टीचर, लगभग एक दो हैं,
तो वो कहें सर ये तो बड़ा अच्छा लगे, हम शुरू करना चाहते हैं। तो वहाँ शुरू हुआ, फिर मैंने उनको काफ़ी सामग्री जानते हैं उनको दी गई और उन्होंने उसको बहुत सक्रिय बनाया। तो वहाँ मैं फिर गया, तो पिछली बार जब मैं आया था 4-6 महीने पहले, तो वहाँ पे था स्कूल में तो बत्ती चली गई। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ बच्चों के साथ, बच्चे फिर बिखर जाते हैं, घर चले जाते हैं। मैंने कहा कितनी बार होता है महीने में? कहते 3-4 दिन होता है, 5 दिन, मतलब 5 दिन और छुट्टी हो गई। मैंने कहा ये तो 20% तो यहाँ पे चला गया बिजली में हो गई। मैंने कहा ये तो 20% तो यहाँ पे चला गया बिजली में। तो मुझे ख्याल आया, हमारे एक मित्र हैं संजय दुबे जी, वो ग्लोबल लेवल पे एनर्जी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, काफ़ी डोनेशन का पैसा आता है, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र में दर्जनों स्कूलों में वो पैनल लगा चुके हैं। तो मैंने उनको वहीं से एक टेक्स्ट भेजा, मैंने कहा संजय जी यहाँ पे मैं हूँ, बत्ती चली गई है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्या आप थोड़ा विचार करेंगे कि यहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करवा दें? 2 मिनट के अंदर उनका जवाब आया वहाँ पे होगा, और वो ऐसे हैं कि उन्होंने कह दिया तो फिर होगा। तो हमने स्केड्यूल प्लानिंग इस तरह की कि मैं भी यहाँ रहूँ, वो भी आए, और तो स्थापना भी उसका उद्घाटन हुआ। करीब 15 अखबारों में खबर आई, इंक्लूडिंग नेशनल न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, ये 3-4, और उसके अलावा रीजनल पेपर्स में खबर आई, वीडियो बना, ये हुआ। तो उस स्कूल का नाम हुआ, और असल में चंदौली का नाम हुआ, चंदौली में कुछ हुआ, लाइब्रेरी की स्थापना की। अब मिडिल स्कूल की कोशिश है, और आसपास के गांवों में जो कई स्कूल हैं वहाँ मैं पहुँचाऊँगा। तो उसमें 4-5 बातें हैं सिर्फ सिंपल तौर पर। एक ही आज के समय में पूरे विश्व की सारी समस्याओं का एक ही कारण है, वो है बुद्धि की कमी। नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वातावरण देखिए, हर जगह 2-4 युद्ध चल रहा है, किसी का कुछ नहीं मिलने का उसमें, और आपसी क्लेश, घृणा, नफरत, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चल रहा है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमने इस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाई, दूरदर्शिता जिसमें हो। क्योंकि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, जब तक उनका टर्म है तो वहाँ 2-3 साल के सोचते हैं, लेकिन हमें 100 साल, 500 साल तक सोचना होगा कि आगे मानवता का, संस्कृति की, सभ्यता का भविष्य क्या होगा और हम किस तरह बढ़ेंगे आगे। तो मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की, करीब 600 वीडियो मैंने बनाए हैं एजुकेशन पे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे उसको देखें, टीचर्स देखें, पढ़ें, बात करें, समझाएं। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था 7 लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन, किस स्तर पे अल्टीमेट लेवल इज यूनिवर्सल सिविलाइजेशन विद मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी। तो हम पता लगा कि इंटरव्यू में बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट उससे जुड़े हैं कि भारत नहीं, विश्व, आज का विश्व किस स्तर पे है आउट ऑफ 7। तो उन सबका जवाब आया 0.7, मतलब हम नंबर 1 लेवल की भी सिविलाइजेशन नहीं बन पाए, बस लड़के मर रहे हैं। और मोस्ट इनएफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो मैंने कल MTIC में गया था, मैंने बच्चों को बताया कि आप बताओ नेचर में कहीं एनर्जी वेस्टेज होता है? कोई वेस्टेज नहीं होता, और हम नेचर से कट चुके हैं, इसलिए हम दानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर मैंने एग्जांपल दिया, मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी 100%, ह्यूमन अप्रोच ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज 60% लॉस, 30-40% यूटिलाइजेशन। हमने उनको बताया फोटोसिंथेसिस जो है सूरज की रोशनी लेके जो पेड़ पत्तों, हरे पत्तों से फोटोसिंथेसिस करते हैं, 100% एफिशिएंसी है, ज़रा भी वेस्ट नहीं, जितना है उतना लेके पेड़ बड़े हो जाते हैं। तो हमने कहा आप नेचर से सीखो, नेचर से कनेक्ट होकर, क्योंकि हम नेचर का हिस्सा हैं, नेचर में रहते हैं, उसके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह की बातें मैंने उसमें उठाई हैं और उसको सरल तरीके से बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। थोड़ी सी समस्या यहाँ आती है कि टीचर्स जो हैं
वो कहते हैं भाई हम तो नौकरी करते हैं और क्लास पढ़ा के हमारा काम हो गया, अब आप कह रहे हैं कि और कुछ करो, तो उसके लिए सभी टीचर राजी नहीं होंगे। हमने कहा सभी नहीं, वैसे भी टीचर्स को बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं आजकल, तो काम दे दिए जनगणना तो, से लेके ये सारे काम बहुत सारे ऑब्लिगेशन आते हैं कि पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम है। इवन अभी तो हमने एक खबर पढ़ी थी बांदा या कहीं की थी शायद, वहाँ टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई कि जो मुख्यमंत्री का जो जो विवाह योजना चल रही है उसमें आपको दुल्हने सजाना है, तो इस तरीके की चीज। और ये इलेक्शन होता है तो उसके लिए आपको पोलिंग बूथ पे रहना होता है, कहीं वो जुलूस निकल रहा है वहाँ होना, तो ये टीचर को कई कामों में फंसा दिया गया है। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप ये प्रज्ञालय का काम शुरू करें, आपको इतना आनंद आएगा कि समय अपने आप निकल आएगा। तो ये है हमारा प्रज्ञालय कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं और चंदौली के लिए शुरू कर रहे हैं, चंदौली के लिए शुरू कर रहे हैं और इसके अलावा दिल्ली में भी शुरू होगा और प्रयागराज में शुरू हो चुका है। अभी मैं गया था यहाँ आने से पहले, तो वहाँ 5 लोगों ने कहा है कि हम शुरू करेंगे। दिल्ली में अब मैं जब जाऊँगा तो वहाँ करीब 30-40 स्कूल्स हैं जिनका एक संगठन है, तो उन्होंने स्वीकार किया है इसको कि वो शुरू करेंगे। उसके बाद एक नंगलोई में दिल्ली के बॉर्डर एरिया में एक है राजा उग्रसेन मॉडल स्कूल, उसमें प्राइमरी मिडिल हाई सब कुछ हाई है, सब कुछ है। दिल्ली में मैं कुछ जगहों पे मिलने वाला हूँ, गर्ल्स कॉलेज है, गुरुकुल है दिल्ली में, आपको विश्वास नहीं होगा अभी नया शुरू हुआ है गुरुकुल दिल्ली में। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जाऊँगा। रुड़की में एक स्कूल है, बहुत बड़ा अद्भुत स्कूल है, सबसे यूनिक वहाँ पे। उसके बाद ऋषिकेश देहरादून इस्टेब्लिश की है, उसका सर्टिफिकेशन हो गया है, अब उसको नॉन प्रॉफिट 80G सेक्शन बोलते हैं उसको, उसकी एप्लीकेशन चल रही, कागज़ तैयार हुआ है। उसके बाद हम इस स्थिति में होंगे कि हम डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो डोनेशन टैक्स फ्री होगा, तो मुझे उम्मीद है कि अगले महीने 2 महीने में वो हो जाएगा। उसके बाद उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी राहत मिलेगी ताकि इसको और तेज़ी से बढ़ाया जा सके। अभी कुछ वीडियो यहाँ के मैंने HRD MNCC में एक डायरेक्टर है हमारे मित्र, उनको मैंने भेजा था, उसने कहा ये तो अद्भुत है, ये मेरा फेवरेट काम है। हमने कहा आपका फेवरेट काम है तो आप अपनी मिनिस्ट्री का भी फेवरेट काम बनाइए। मैं मिलूँगा उनसे, देखते हैं क्या कहते हैं इस बार। तो आपने सुना किस तरीके से चंदौली के डेवलपमेंट की बात करें, और होता यही है कि अगर आप बेस से जुड़े हों, ज़मीन से जुड़े हों, और सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ आप पैदा हुए हों और उसके लिए अगर सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इवन अगर ऐसी चीज़ें होती है तो डेफिनेटली चंदौली के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। बताइए, चंदौली मैंने ये पाया है, शायद वो एक कमी सी रह गई है, अभी हो नहीं पाया है, औद्योगिक विकास नहीं हुआ है चंदौली में। कमर्शियल है, आपको दुकानें बहुत मिलेंगी, आप कहें चंदौली में पैदावार क्या होती है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमारे साथ हमारे मित्र आए थे, आज चले गए सुबह, निर्मल रतनलाल वैद, उनका इन सभी संस्थाओं से बहुत गहरा कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, जब अगर 2-4 लोग उससे जुड़ें कल्चरल, जैसे यहाँ पे कोई डांस स्कूल नहीं है, कोई ढंग का म्यूज़िक स्कूल नहीं है, आर्ट्स नहीं है, ड्रामा रंगमंच कुछ नहीं है, और ज़िलों में आप देखिए सब कुछ है, इंस्टीट्यूशन इस तरह बना के रखे गए हैं लोग, मंदिरों का एक अलग तरीके से उपयोग होता है, सिर्फ पूजा पाठ मंत्र उच्चारण और ये नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। हमारा मंदिर आप जाके देखिए, नया बन गया है 12-13 साल पहले, उसका इस्तेमाल हो सकता है इस तरह की शिक्षा के लिए भी, वहाँ भी प्रज्ञालय हो सकता है, क्यों नहीं। और तो ये जो है औद्योगिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी चंदौली उस स्तर को नहीं छुपाया है, जिसके लिए उसके लिए भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जब समृद्धि बढ़ेगी, लोगों को की क्षमता बढ़ेगी, तो जो करेंगे अच्छा करेंगे। चलिए, तो जैसा कि बताया कि जो करेंगे अच्छा करेंगे, और डेफिनेटली चंदौली के करेंगे, के लिए करेंगे, जस्ट बिकॉज आप चंदौली से जुड़े हैं और चंदौली के लिए सोच रहे हैं। चंदौली से इंडिया न्यूज़ के लिए अवनीश तिवारी।